मंत्री बन जाते सनत मंत्री आनंद शर्मा ने कहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगुवाई है जो लिखिया आर्थिक नीतियां सदका देश के कारपोरेट अर्थचारे ने वड्डी तरक्की हासिल की है। जिला फतेहगढ़ साहब के संगोल च कारपोरेट जगत की समाजिक जिम्मेदारी के विषय उपर करवाई गई तीजी कौमी कॉन्फ्रेंस च बोलदिया उन्होंने कहा कि सरकारी अते प्राइवेट भाईवाली राही वड्डियां कंपनियां नूं अपने कारोबार वधाउण च जो लाभ हो रहा है वह समाजिक जिम्मेवारियां निभाउण च भी अपना हिस्सा पा रही ने। आनंद शर्मा ने कहा कि केवल सनती तरक्की राही ही देश आर्थिक तौर से मजबूत हो सकता है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ साल दौरान उत्पादन सैक्टर से तरक्की होने नाल मुहारत पे आधारित रोजगार मौकों च बड़ा वाधा होया है। माध्यम से जो हमारा इंडस्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा है भारत की जीडीपी में वो 16% से बढ़ के 25% होगा और 100 मिलियन यानी 10 करोड़ स्किल्ड जॉब्स ये इसके निर्माण के माध्यम से होंगे। उसके लिए बड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स जिन जिन राज्यों के पास जमीन है वहां बन रही है, इसके और बड़े फायदे हैं जो हर राज्य को। यूजीसी के चेयरमैन वेद प्रकाश ने कहा कि शिक्षा ते नवी टेक्नोलॉजी जो एक क्रांतिकारी तरक्की ने देश नूं मोरली कतार च खड़ा कर दिता है। साडे नुमाइंदे जगदेव सिंह ने दसाया है कि कॉन्फ्रेंस दौरान कारपोरेट घराणियां वालों निभाई जा रही समाजिक जिम्मेवारी ते चानना पाया गया। आज कौमी प्रेस दिवस मनाया